So, क्या हाल है बालको? आज हम करने वाले हैं 200 से ज्यादा वोकैब्स। अरे यार वोकैब्स सर याद नहीं होते। अगर आपके पास ये दिक्कत है कि सर वोकैब्स याद नहीं होते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बनी। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वोकैब, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वो भी रूट वर्ड के साथ। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब की बहुत ही बेहतरीन वीडियो। ओए खुश हो यार मैं, इतना मजा आएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं तो मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरु जी कहते हो। मैंने एम ए बी एड बी ए कर रखा था फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ। इसके अलावा मुझे 5 साल से ज्यादा पढ़ने का एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आई एम आ टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आइए इन्हीं लव के साथ स्टार्ट करते हैं आपका बेहतरीन बेहतरीन 200 से ज्यादा वोकैब्स। चलिए तो सबसे पहला जो वर्ड है इट इज एंडो। देखिए एक वर्ड है एंडो, इसका कलर चेंज करना चाहूंगा बाल तो किसका, अपने पेन का। हाँ यार आप कर लेते हैं एंड्रो। जब भी ये वर्ड है एंड्रो तो इसका मतलब है रिलेटेड टू मैन या मेल, ठीक है। किसी भी मैन या मेल में जब ये वर्ड है एंड्रो तो मैन और मेल के होता है। जैसे जैसे एंड्रो गायनोस, अब देखो गायनो यहाँ पे एक वर्ड है GYNO गायनो मतलब रिलेटेड टू वेमेन, ठीक है। एंड्रो मतलब मैन और गायनो मतलब वेमेन, याद रखा। ये दो वर्ड है, रूट वर्ड है एंड्रो इन द सेंस मैन और गायनो इन द सेंस वेमेन। तो एंड्रोगाइनोस इन द सेंस ऐसा इंसान जो नर और मादा दोनों हो, आदमी हूँ आदमी और दोनों से प्यार करता हूँ, तो नर और मादा दोनों हो तो उसे बोलते हैं एंड्रोगाइनोस, ठीक है। नेक्स्ट एंड्रॉइड, ओके अब आपको लगता है अच्छा एंड्रॉइड वाला फोन तो नहीं। ये एंड्रॉइड क्या है भैया? ये एंड्रॉइड है रिसेम्बलिंग अ ह्यूमन इन द सेंस मानव की भेष में, मानव की शक्ल में, इट्स कॉल्ड एंड्रॉइड, ठीक है। उसके बाद मिस एंड्री, भाई किसी भी चीज के आगे मिस लग जाए तो वो चीज खराब कर देते हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग के आगे लग जाए मिस तो मिस अंडरस्टैंडिंग, फॉर्चून के आगे लग जाए मिस तो मिस फॉर्चून। तो मिस एंड्री क्या होगा? एंड्रो इन सेंस मानव, मिस एंड्री इन सेंस वो लोग जो मानव से इंसान सॉरी मेल से प्यार नहीं करते, जो मेल से प्यार नहीं करते, इट्स कॉल्ड मिस एंड्री, ठीक है जी। ये एंड्रो से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेपलटिया भैया। नेक्स्ट है बेल, बेल या बेली। तो बेल और बेल रिलेटेड टू वॉर, जब भी कोई वॉर की बात हो उससे बेल या बेली बोलते हैं। जैसे जैसे बेलिकोस इन द सेंस वॉर लाइक, जिसको वॉर से बहुत ज्यादा प्यार हो उसे बोलते हैं बेलिकोस, ठीक है बेलिकोस। आगे बेलीग्रेंट, अब बेलीग्रेंट इन द सेंस जो रेडी टू फाइट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब इसी का एक और वर्ड है, इसी का एक और वर्ड है इट इज रेबल, ठीक है। रेबल इन द सेंस वो इंसान जो हमेशा जो है लड़ता रहता है, हमेशा जो है मतलब लड़ाई करता रहता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट कैन, अच्छा कैन आपको लगे कैन मतलब कुछ समझ में आ रहा है? जी हाँ, कैन मतलब होता है ग्लोइंग, ठीक है, कोई चीज चमकना। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कैंडिड, आपको लगेगा सर कैंडिड मतलब कैंडिड फोटोशूट, जी हाँ वो कैंडिड फोटोशूट से ही बना है कैन, मतलब उस मूवी से ही बना है। कैंडिड मतलब क्या होता है? जो बायस नहीं होता, ठीक है, जो बायस फ्रीडम फ्रॉम बायस, जो बायस नहीं होता, ठीक है, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक है, जो न्यूट्रल रहता है उसे बोलते हैं कैंड, ठीक है कैंडिड। आगे कैंडल, आपको पता है कैंडल क्या होता है? कैंडल से चमकना, मोमबत्ती जिसे कहते हैं हम लोग। आगे अच्छा इनकैंडेसेंट, अब इनकैंडेसेंस वाइट, ठीक है, इनकैंडेसेंस वाइट क्या रखना, सफेद को बोलते हैं इनकैंडेसेंट। आगे नेक्स्ट नॉमनी, ओके नॉमनी, तो नॉम इन, नॉम इन जब भी ये वर्ड आए तो ये नॉमनी याद रखना, नॉम इन नॉमनी इन द सेंस रिलेटेड टू नेम, रिलेटेड टू नेम। अब मिस नॉमर, अभी मैंने बताया इसके आगे मिस लग जाए इन द सेंस कुछ ना कुछ खराब होने वाला है, तो इसके नाम में कमी हो जिसका नाम गलत हो बोलते हैं मिस नॉमर, ठीक है। नेक्स्ट नॉमिनल, नॉमिनल इन द सेंस भी अब नाम मात्र, ठीक है, नॉमिनल आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनेट, ओके किसी को नॉमिनेट करना, जैसे आप मुझे नॉमिनेट करो, जिसको नॉमिनेट, हाँ जी। नेक्स्ट भी आगे बढ़ते हैं कर क्रॉस, ठीक है, जो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस था उसका क्रॉस की बात हो रही है, ठीक है। अब क्रूशियल, क्रूशियल इन द सेंस जो अपने आप में बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रखता हो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जो आप देखो यहाँ पर बोलो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैविंग और फॉर्म ऑफ अ क्रॉस, दिस इज कॉल्ड क्रूशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्रूफिक्स, क्रूफिक्स इन द सेंस क्रिश्चियन के उस साइन को बोलते हैं क्रूफिक्स। आगे एक्सक्रूटिंग इन द सेंस जब बहुत ज्यादा पेन में हो आप, जब जीसस क्राइस्ट कुछ लगाया जा रहा था तो वो बहुत ज्यादा पेन में थे तो वो चीज थी, ठीक है। इन द सेंस जब बहुत ज्यादा आप पेन में हो तो क्या बोलो क्या एक्सक्रूसाइटिंग इन द सेंस बहुत ज्यादा पेन में होना। नेक्स्ट मर्ग, ओके मर्ग इन द सेंस मूव, जैसे हम बोलते हैं इमाइग्रेट इन द सेंस कोई चीज माइग्रेट होने वाली चीज, दूसरा माइग्रेट और दूसरा तीसरा माइग्रेशन, सबका मतलब ही क्या होता है?
माइग्रेशन इज अ प्रोसेस, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना, तीनों का मतलब सेम ही है उठे से नई जगह पे जाना। आगे ओके कॉग्निशंस नो, कॉग्निशंस नो। अब क्या कॉग, जैसे कॉग्निशंस किसी चीज को जानने की प्रक्रिया, अब ये बड़ा अच्छा वर्ड है इनकॉग्निटो। आप लोगों ने मतलब गूगल गूगल पे या किसी चीज पे आपने वो लिखा होगा इनकॉग्निटो मोड होता है, जहां पे आपको सर्च कर दो समझ में नहीं आता, इन सेंस हाइड, कॉग्निशंस दिखाना, इन सेंस छुपाना, इनकॉग्निशंस ऐसी चीज जिसको आप लोगों को बताना चाहते हो, ठीक है। और रिकॉग्नाइज्ड, तो रिकॉग्नाइज्ड इन सेंस किसी चीज को जानना। तो देखो कॉग्निशन इन सेंस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज गेन करना, इन आगे इन सेंस हाइड हो गया, इन सेंस कोई ऐसी चीज नॉलेज गेन करना जो आपको हाइड करनी है, किसी को बतानी नहीं, खुद गेन करना, ठीक है। और रिकॉग्निशन इन सेंस किसी को रिकॉग्नाइज करना, किसी को याद करना। नेक्स्ट यूनि, याद रखिएगा यूनि रिलेटेड टू वन और सिंगल होता है हमेशा, जब भी वन और सिंगल की बात हो उसको यूनि, ठीक है। जैसे यूनिसाइकिल इन सेंस एक पहियों वाला, यूनिलैटरल इन सेंस एक तरफा, बायलैटरल दो तरफा, बाय बी आई बाय इन सेंस दो, और यूनि इन सेंस एक, ठीक है, बायलैटरल दो तरफा, यूनि इन सेंस एक तरफा। नेक्स्ट यूनिक, ओहो अपने आप में एक होता, अब यूनिकॉर्न भी होता है, एक यूनिकॉर्न इन सेंस क्या होता है एक सिंग वाला, तो यूनि इन सेंस एक। नेक्स्ट एन, अब देखो ए एन जब भी कोई वर्ड इन सेंस नॉट विदाउट, जैसे एबेस इन सेंस नॉट विदाउट बॉटम, बिना किसका किसी की डेप्थ ना होना, ठीक है। नेक्स्ट एक्रोमेटिक, ठीक है, इन द सेंस विदाउट कलर, किसी का कलर ना होना। नेक्स्ट एड, अब एंड हाइड्रो, हाइड्रो आपको पता है पानी होता है, तो हाइड्रो इन द सेंस बिना पानी के, तो कॉमन था। नेक्स्ट फोर, ओके फोर इन द सेंस पहले, भविष्य, आगे, इन सब चीज पिछला अगला, इन सब चीज के बारे में सोचना, जैसे फोर बी इन द सेंस जो आपके पूर्वज होते हैं, फोर फादर ही बोलते हैं उसे, ठीक है। एंसेंट मतलब भी क्या होता है पूर्वज। आगे फोर बॉन्ड इन द सेंस भैया आप जो है क्या बोल रखा है, एन एडवांस वार्निंग फॉर समथिंग बैड, होता है ना जिंदगी में जब कुछ हम लोग सोचते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, किसी के पास सिक्स सेंस होती है, उसे बोलते हैं ये चीज। नेक्स्ट फोरकास्ट, फोरकास्ट इन सेंस फ्यूचर के बारे में सोचने से कॉल्ड फोरकास्टिंग। आगे टॉक्स, ओके बहुत से लोग टॉक्स होते हैं, टॉक्सिक पॉइजन जहर, डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, डी इन सेंस रिमूव करना, किसी को हटाना, टॉक्सिक इन सेंस जहर, डिटॉक्सिफिकेशन इन सेंस जहर को हटाना। आगे टॉक्सिक भाई जहर, जहरीला आदमी। टॉक्सिलॉजी, अब देखो लॉजी हमने पहले पढ़ा था, लॉजी मतलब क्या होता है जहर, तो टॉक्सिलॉजी इन द सेंस क्या होता है जहर के बारे में पढ़ना। आगे स्पेक्ट, स्पेक्ट इन द सेंस सी देखना, लुक। आगे सर्कमस्ट्रक्ट, अब देखो सर्कम मतलब क्या होता है अपने चारों तरफ, स्पेक्ट इन द सेंस देखना, तो अपने चारों तरफ देखना, अपने आसपास देखना, राउंड में देखना। नेक्स्ट रेट्रोस्पेक्टिव, अब रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रो इन द सेंस पीछे देखना, ठीक है, अपने पास में देखना, पास्ट के बारे में सोचना, ठीक है, याद रखना इसका मतलब भी होता है क्या पिछला, पास्ट, पास्ट याद रखना। नेक्स्ट स्पेक्टेटर, जैसे आप लोग मुझे देखे तो आप कौन हो, दर्शक हो, स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर, ठीक है जी। नेक्स्ट एमबी, एमपी, अब एमबी इन द सेंस दोनों तरफ, दो तरफ, हर तरफ से, चारों तरफ से, ठीक है। अब एमबी डेक्सट्रस इन द सेंस भैया जो दोनों हाथों से लिखता है, आपको याद होगा वो थ्री इडियट का वायरस दोनों हाथों से लिखता था, तो जिसके अब एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली, जो दोनों हाथों से सेम काम कर सकते हो, ठीक है। आगे एम्बिगस इन द सेंस जिसके पास बहुत ज्यादा जो है मीनिंग होती है, ठीक है, किसी एक के बहुत ज्यादा मीनिंग, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आगे एम्बिविलेंट, एम्बिविलेंट इन द सेंस क्या होता है कि भैया आप कुछ सोच रहे हो मैं कुछ और सोच रहा हूं, तो आपकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग बिल्कुल अपोजिट है, उसे बोलते हैं एम्बिविलेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट एम्बिवेलेंस। आगे पैटर, पैट्री, ओके पैटर, पैट्री मतलब होता है रिलेटेड टू फादर, इसी का उल्टा होता है मैट्री, मैट्री इन द सेंस रिलेटेड टू मातृ, तो पितृसत्ता और मातृसत्ता, ठीक है। अब फादर जैसे इसमें बोल रखे हैं पैटर्नल इन द सेंस भाई फादर रिलेटिंग टू फादर स्कोर पैटर्नल। आगे पैटर्निटी इन द सेंस फादरहुड, मातृसत्ता सॉरी पितृसत्ता, पैट्रियार्च वही मेल डोमिनेंस हो जाती है, पितृसत्तात्मक सोच, ठीक है, जो मैन जो है लोगों को रूल कर रहे हैं, इसी का उल्टा क्या होगा मैट्री, ठीक है, मैटर्नल, मैटर्निटी, मैटर्नार्क, ठीक है, पैट्रियार्क तो मैट्रियार्क। आगे न्यूमर रिलेटेड टू नंबर, जैसे इम्यूनरेट, तो न्यूमरेट मतलब क्या होता है वही नंबर, किसको भी आप बताओ, लिस्ट करो, अनलिस्ट करो, क्या चीज है, बताइए आइटम, मेंशन करो एक एक चीज को। न्यूमरोलॉजी, लॉजी इन द सेंस रिलेटेड टू स्टडी, तो न्यूमरोलॉजी इन द सेंस नंबर के बारे में पढ़ना, ठीक है। न्यूमेरियस इन द सेंस बहुत सारे लोग कहते हैं ना बहुत बड़े न्यूमेरियस प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में, ठीक है, तो इन द सेंस बहुत सारे। आगे पर्ग इन द सेंस क्लीन, याद रखें पर्ग इन द सेंस क्लीन, जैसे पर्ज वैसी चीज, कुछ भी अनडिजर्वेबल चीज को हटा देना अपनी जिंदगी से, ठीक है। एक्सप्रोगेट इन द सेंस कि वही वही देखो ये सेंसरशिप भी करता है सेम काम, किसी पब्लिकेशन से कोई आपत्तिजनक चीज हटानी है उसे बोलते हैं क्या एक्सप्रोगेट, क्या बोलते हैं एक्सप्रोगेट। नेक्स्ट
अब पर्गेटरी इन द सेंस भैया, जैसे मान लो कि आप जो है पुराने जमाने में क्या होता था, अभी भी होता होगा पता नहीं, कि जो जीसस मतलब जीसस कह रहा हूँ जो चर्च होता है, चर्च के लोग जो अपने डेड बॉडी को दफनाते थे तो उन पे पवित्र कुछ वो डालते थे, होली वाटर, ठीक है, तो उनकी आत्मा को शुद्ध करते थे। तो वही सेम चीज है, अकॉर्डिंग टू रोमन कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स के अनुसार अ प्लेस वेयर सोल्स मस्ट क्लीन देमसेल्फ ऑफ सिन, पाप से धोया जाता है उनकी आत्माओं को, उसे बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट द रिलेटेड टू गॉड, याद रखिएगा, जब भी किसी को आगे दी है द रिलेटेड टू गॉड, जैसे मोनो आपको पता है, मोनो मोनोपोली इन सेंस सिंगल, एक द इन सेंस भगवान, तो मोनोदिज्म इन सेंस क्या हुआ, एक भगवान को मानने वाला, ठीक है, अब पॉली इन सेंस बहुत सारे, तो एक से ज्यादा भगवान को मानने वाला, ठीक है, थियोलॉजी इन सेंस भगवान, अब लॉजी इन सेंस स्टडी होता है, तो भगवान की स्टडी करना। नेक्स्ट पैन, ओके, पैन इन सेंस ऑल, पैन इन सेंस ऑल एनीवन एनीवन, ठीक है जी, अब जैसे पेनेशिया इन सेंस भी है, सभी डिसीजेस को मारने वाला पेनेशिया। नेक्स्ट सेम चीज दो बार क्यों दे दिया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेंडेमिक, पेंडेमिक आपको पता होगा हर जगह अभी कोरोना वायरस में हुआ था, पेंडेमिक सिचुएशन आ गई थी, हर जगह जो है कोरोना वायरस फैल गया था, पेंडेमिक हुआ, वो हर जगह आतंक छा रहा है, ठीक है। सोमनी रिलेटेड टू स्लीप होता है, सोमनी रिलेटेड टू क्या होता है, सोमनी रिलेटेड टू स्लीप, जैसे इंसोमिया, भाई किसी लोगों को सोने की आदत नहीं होती, उसे बोलते हैं इंसोमिया, कोई बहुत ज्यादा सोता हो तो उसे क्या बोलते होंगे, मुझे कमेंट करके बताइए नीचे, ठीक है। जो सोते सोते बात करता हो। नेक्स्ट सोमिलेंट इन सेंस फीलिंग ऑफ स्लीपी, जब किसी को नींद आ रही हो, ठीक है, उसे बोलते हैं सोमिलिक्यू। आगे एंट्रो, एंट्रो इन सेंस देखो, एक था एंड्रो, एक था गायनो, ठीक है, एक हो गया एंट्रो, एंट्रो इन सेंस मानवता, ह्यूमन मैनकाइंड, ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी इन सेंस मानव की स्टडी करना, मानवता की, सॉरी, ठीक है। उसके बाद अब एंथ्रोप्रोमोफिज्म इन सेंस ह्यूमन, जो ऐसी चीज जो ह्यूमन ना हो उसको इंसान के दर्जा मिलता है, जैसे मूर्ति होती है, ठीक है, कुछ कुछ लोग किसी को भी इंसान मान लेते हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर स्पीशीज होता है ना, उसे बोला जाता है, क्या जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान लिया जाए। आगे अब फिलैंथ्रोपी इन सेंस कि भैया मानव से प्यार करना, देखो जब भी वर्ड है फिल, तो इट इज रिलेटेड टू लव, इट इज रिलेटेड टू लव, अब फिलैंथ्रोपी इन सेंस मानवता से प्यार होना, ठीक है जी। आगे ओके, लोको, लोको इन द सेंस स्पीक, लोक्वेंट इन द सेंस भैया बहुत ही ब्यूटीफुल या बहुत ही फोर्सली कोई चीज बोलना, इसको लोक्वेंट, ठीक है। लुक्रियस इन द सेंस बहुत यार जो बोलता हो, और दूसरा एलोक्यूशन इन द सेंस जिसको पब्लिक स्पीकिंग की कला हो, बड़ा प्यारा था ये। नेक्स्ट वाल को एनी, ठीक है, एनी इन द सेंस रिलेटेड टू ईयर्स, याद रखना। अब देखो हमने एक वर्ड पढ़ा था अभी बाय, बाय इन द सेंस दो, अब सेंटेरियन मतलब बाय सेंटेरियन क्या हुआ, सेंटेरियन इन द सेंस सेंचुरी, सौ, दशक, तो बाय इन द सेंस दो, तो दो दशक इन द सेंस दो साल, सेंटेरियन इन द सेंस एक साल, ओ सौ साल सॉरी, ठीक है। पेरेनियन इन द सेंस भैया बहुत लंबा समय, 12 मास हर महीने, ठीक है, उसे बोलते हैं चीज। अच्छा मुझे बताओ कोई अगर 50 से 59 तक जी रहा हो उस एज ग्रुप को क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ होगा देख लीजिएगा, कुछ क्विंक्वा है, हिंट दे दिया मैंने, बी आई मैंने बताया था दो होते हैं, ठीक है, चाहे बाय एनुअल इन द सेंस दो तरफा दो साल, ठीक है, बायनोक्युलर इन द सेंस कि भैया एक लेंस भी होता है ना बायनोक्युलर, जो हर तरफ का देख लेता है, दो तरफा देख लेता है बायनोक्युलर, ठीक है। बायलेटरल दो तरफा भी हमने बताया था, यूनिलेटरल एक तरफा, बायलेटरल दो तरफा। नेक्स्ट एंडो, ओके, एंडो रिलेटेड टू विद इन और इनसाइड, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो दो आपने बताया था भगवान होता है, एंडो इन द सेंस अंदर, तो अंदर का भगवान इन द सेंस अंदर की आत्मा, अब अंदर की आत्मा के बारे में सोचना पढ़ना या जानना, ठीक है, अपने अंदर के टेम्परेचर को कम करना, इट्स कॉल्ड एंड्रोजन, ठीक है, थ्योरम। आगे एंडोथ्योरम, एंगो, एंडोगैमी, ओके, अब यहां पे एक नया वर्ड आया गैमी, गैमी रिलेटेड टू मैरिज होता है, गैमी रिलेटेड टू मैरिज होता है, तो एंडोगैमी क्या बना कि अपने ही कुल में अपने ही जाति में शादी करना, इट्स कॉल्ड एंड्रोगैमी, गैमी रिलेटेड टू मैरिज होता है, याद रखना। नेक्स्ट साइड्स, मरना, किसी को मारना, सुसाइड्स आपने सुना होगा, ठीक है, होमिसाइड्स मर्डर करना, मैट्रिसाइड्स मात्र को मारना, पेट्रिसाइड पापा को मारना, इंसेंस जिससे मारते हो आप लोग, ठीक है, अरे कहाँ गया, खत्म। एक और मैं अब दो तीन और बताता हूँ, जैसे पैरासुसाइड, मरने की इच्छा नहीं थी पर मर गए, पैरासुसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स कीड़ों को मार देना, ठीक है जी। नेक्स्ट मैट्री, अभी मैंने बताया था मात्र, कर लोगे, तीनों बता चुका हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप्स, ओके, इसको रिलेटेड होता है डेड बॉडी, बॉडी 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 बॉडी, ठीक है। कॉर्पोरेशन इन द सेंस लोगों का ग्रुप, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन द सेंस बॉडी, जिसमें बॉडी इन्वॉल्व हो,
आगे क्रॉप्स, आपने माई मदर से कोई पोयम थी ट्वेल्थ में उसमें पढ़ा होगा, डेड बॉडी रिलेटेड टू डेड बॉडी। नेक्स्ट कॉर्पोरल इन द सेंस कि बिया ऐसी जगह जहां पे मानव किस बारे में अंगों के बारे में जानना पहचानना उसको बोला जाता है। आगे ओके इट इज पंग, अ पंग इन द सेंस टू फाइट लड़ना। अब हमें पता होगा वो भी एक रेबेल भी था, बेल भी था, एक लड़ने वाली चीज, ठीक है। अब पंगुएस्क्रियस इन द सेंस कि बिया ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का हो, हर वक्त पे गुस्सा करता हो। दूसरा सेम चीज आगे दोबारा से माफी चाहूंगा, तीसरा भी सेम आ गया। वाओ क्या बात है, तीनों का सेम है। वैसे हमने अलग अलग देना था पर तीनों को गलती से हमने सेम दे दिया, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, ठीक है जी। आगे लव इन द सेंस लाइट, ठीक है। अब एडुकेट हम लोग कई बार कहते हैं कि भैया रोशनी डालो, ठीक है। लोसेड इन द सेंस लाइट, किसी चीज पे रोशनी डालना, किसी चीज को समझना, सेम चीज है। अब ट्रांस, ट्रांस इन द सेंस पारदर्शी होता है, इन द सेंस ऐसी चीज से लाइट पारदर्शी हो जाए, आर पार दिख जाए। नेक्स्ट फिड, फिड इन द सेंस फेथ, विश्वास होना। कॉन्फिड इन द सेंस किसी पे विश्वास करना, ठीक है। फिडेलिटी इन द सेंस विश्वास लायक, ठीक है। और फिड्यूसरी इन द सेंस ट्रस्टी, आपने फिड्यूसरी मनी सुना होगा, एक चेक में होता था फुल बॉडी मनी, फिड्यूसरी मनी इन द सेंस किसी पे विश्वास करके पैसे लेना, इट्स कॉल्ड फिड्यूसरी। नेक्स्ट डिक, डिक इन द सेंस स्पीक, कॉन्ट्राडिक्ट इन द सेंस भी आप किससे अपोज होना, किसी से मतलब किससे अपोजिट बात कर देना, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट प्रेडिक्शन इन द सेंस भी आप जो है प्रेडिक्शन भविष्यवाणी कर रहे हो। डिक्टेट इन द सेंस किसी पे कब्जा कर रहे हो आप। गैनो मैंने बताया था रिलेटेड टू मैन वीमेन, गैनो हमने पढ़ लिया तीनों चीज। गैनोफोबिया महिलाओं से डर लगना, फोबिया इन द सेंस डर होता है। नेक्स्ट डोमिन, मास्टर डोमिनेट डोमिनेटिंग, पहले डोमिनेट तीनों को पता होगा आप लोगों को, डोमिनेट रिलेटेड टू मास्टर, मास्टर आदमी है यार तू भी। नेक्स्ट मॉट, ये अच्छा है, मॉट इन द सेंस रिलेटेड टू डेथ, रिलेटेड टू डेथ, जैसे इमोर्टल आपने पढ़ा होगा, जो इंसान जो मरता नहीं है, ठीक है, मॉट इन द सेंस जो मर जाता है। और मोर्टिसाइड, मोर्टिसाइड इन द सेंस अंडरटेकर, जो मर मर के जिंदा हो जाता है, अंडरटेकर वो फाइट वाला अंडरटेकर नहीं था, वो भी यही था, मर मर के जिंदा हो जाता है जो। फग इन द सेंस रहना, फगेटिव इन द सेंस भाग जाना, रिफ्यूजी, ठीक है, और रिफ्यूजी दोनों का, तीनों का बस भागना होता है, कहीं से भागना। नेक्स्ट पिस्वे इन द सेंस रॉन्ग, अभी पी साइलेंट है सुवे, ठीक है। तो क्या बोलोगे, सिनोनिम इन द सेंस प्रेक्सटिव नेम, इन द सेंस किसी का नाम गलत हो, झूठा नाम हो, ठीक है। अब सिडोसाइंस, सिडोसाइंस इन द सेंस कि भैया क्या होता है कि भैया ऐसी चीज जो प्रूफ ना हो पर सुनने में साइंटिफिक लगे, जैसे वो था ना मल्टी डायमेंशन वर्ल्ड, ठीक है, एवेंजर्स में। अब सिडो प्रेगनेंसी इन द सेंस कोई झूठी प्रेगनेंसी की बात कर ली कि भैया मैं जो है प्रेगनेंट हूं पर झूठा आया हूं, ठीक है। आगे ग्रेट लार्ज मार्जिन मैग्निफाई, ठीक है, लार्ज मैग्निफिकेशन बहुत बड़ा, मैग्नेट बहुत बड़ा, सेम चीज है, सेम चीज है। आइकन आपको पता होगा रिलेटेड टू इमेज, ठीक है, आइकन इमेज, इमेज आइकनोलॉजी इन द सेंस इमेज के बारे में पढ़ना, ठीक है। आइकनोलास्ट क्लास्ट इन द सेंस क्या होता है कि भैया किसी के धार्मिक चीजों को डिस्ट्रॉय कर देना, बड़ा प्यारा था ये, किसी की धार्मिक चीजों परंपराओं को डिस्ट्रॉय कर देना, ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट बिब्लियो रिलेटेड टू बुक होता है, याद रखना बिब्लियो रिलेटेड टू, दे रखा होगा ना, बिब्लियो रिलेटेड टू बुक, ठीक है। अब बिब्लियोग्राफी इन द सेंस कि भैया बहुत ग्राफ इन द सेंस रिलेटेड टू ग्राफ, तो उसके सोर्स क्या है, उसकी किताब का सोर्स क्या है। नेक्स्ट बिलोमेनिया इन द सेंस, अब मेनिया मतलब भी लव होता है, फिल मतलब भी लव होता है, इन द सेंस किताबों से प्यार करने वाला, ठीक है। बिलो फिल इन द सेंस सेम चीज किताबों से प्यार करना, बिलोजी इन द सेंस किताबों के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट सोफ इन द सेंस वाइज समझदार, फिलोसफर सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, और एक और सोफिज्म। देखो भाई फिलोसफर आपको पता है, फिलोसफर वाला पर्सन बहुत ही समझदार पर्सन, ठीक है, पर उसकी देखो वाइज अबाउट द वे ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को देखने का नजरिया उसका अलग होता है, ठीक है। आगे सोफिज्म इन द सेंस अ क्लियर मिसलीडिंग आर्गुमेंट, एक बहुत ही साफ आर्गुमेंट पर मिसलीड करता हो कि भैया मैं तो गया ही नहीं जबकि वहीं पे था, उसकी बातों में सच्चाई दिख रही है पर वो है झूठा, तो वो सेम चीज है सोफिज्म बोलते हैं उसे। लॉग इन द सेंस वर्ड, ठीक है, डॉक्ट्रिन, जैसे लॉजिक एक वर्ड है, करेक्ट रीजनिंग, ठीक है, लॉजिक बताओ, ठीक है। मोनो आपने सुना होगा, मोनोलॉग इन द सेंस बहुत लंबी स्पीच, मोनो इन द सेंस सिंगल, लॉग इन द सेंस स्पीच लिखना, तो मोनोलॉग इन द सेंस क्या, बहुत बड़ा लिखना। आगे एनालॉजी आप पढ़ते आ रहे हो, आपकी उसमें भी आएगा, एग्जाम्स में भी आएगा, ठीक है, वो सेम चीज है। नेक्स्ट क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी होती है हाइड सीक्रेट, ठीक है, क्रिप्टिक, क्रिप्टोग्राफी और इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट आपके व्हाट्सएप पे भी आता है, इनकोड का कि भैया ये व्हाट्सएप के मैसेज कोई नहीं देख रहा, टेंशन ना लो। नेक्स्ट मिनी स्मॉल, मिन स्मॉल लेस मिनी, वही सेम चीज,
मस्कुलर ठीक है, और मस्कुलाइन सेम चीज है। ऑप्ट बेस्ट ऑप्टिमल ऑप्टिमाइज ऑप्टिमम तीनों पढ़ रखा होगा आपने, तीनों पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट फिल अप, मैंने बताया था ठीक है। अब फिलैंथ्रोपिस्ट इन द सेंस जो ह्यूमैनिटी, अब एंट्रो द्वारा आ गया ना, इन द सेंस मानवता से प्यार करने वाला। नेक्स्ट फिलोलॉजी वही लव के बारे में स्टडी करना, उस लव को स्टडी करना ठीक है। अब बिब्लो आपको पता है पढ़ाई होती है, बुक होती है, बिब्लोफिल इन द सेंस किताबों की पढ़ाई, किताबों से प्यार। नेट नेट इन द सेंस बॉर्न इन नेट नेटल ठीक है, और नेचुरल भी होता है एक, हाँ नेटल इन द सेंस एक नेचुरल भी होता है ठीक है नेचुरल। तो ये सेम चीज नेट इन द सेंस नेचुरल, जो बिल्कुल शुरू से बर्थ लिया हो ठीक है, सेम चीज है ठीक है रिलेटिंग टू बर्थ। ओमनी ऑल ठीक है, ओमनीपोटेंट ओमनीपोटेंट दो बार क्यों दे दिया यार, चलो ये दो बार ओमनीपोटेंट इन द सेंस जिसके पास बहुत ज्यादा पावर हो। आगे ओमनीवियस इन द सेंस हर चीज खाता हो ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा बस दैट्स इट। अब कुछ बहुत ही बेहतरीन बातें करने वाले, कुछ बहुत ही बेहतरीन बात, तो आइए कुछ बहुत ही बेहतरीन बात सुन लेते हैं। तो भैया यही है वो बेहतरीन बात, क्या कि भैया क्लैक का ऑलमोस्ट 25% का भैया सब्सक्रिप्शन वो मिला हुआ है, कूपन कोड का डिस्काउंट। क्या कर रहे हो भैया, मैं फंबल हो गया लेकिन आपको यूं ना, क्या कि भैया ऑलमोस्ट 25% का ऑफ है आपके क्लैट के एग्जाम में। तो जाओ भैया जाओ, बिल्कुल क्लैट को क्रैक कर दो ठीक है। ये हमारा स्लोगन भी है, लेट्स क्रैक इट। भैया आपको कोड कौन सा लगाना है, आपको कोड लगाना है 100 में 100 RD 100। अरे आ जा भैया, अरे वाह, हाँ एक बार पेन आ जाओ, पेन कहाँ चला गया। डेट इज वॉट डेट इज RD 100 ठीक है। आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू 25% का। जाओ यार, इससे सस्ता क्या ही मिलेगा। और इंडिया के बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं इसमें, इंडिया के बेहतरीन टीचर, सोचो उस बारे में ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं दिया तो जाओ, आपका ये स्कॉलरशिप टेस्ट है और आपको ऑलमोस्ट फ्री सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, ऑलमोस्ट फ्री सब्सक्रिप्शन। आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, टैब हो, हेडफोन्स हो, अमेजोन गिफ्ट वॉच, और बहुत सारी चीजें भैया। तो जाइए ऑल इंडिया क्लैट का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, इस QR कोड को स्कैन कर लेना और जब कोड पूछे लगा देना RD 100, वहाँ पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको ठीक है जी। ये 23 तारीख को होने वाला है, 23 अप्रैल को ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं भैया, नो डाउट बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टीचर है ये सारे टीचर्स। जब भी आप क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे टीचर्स आपको मिलेंगे, इतने बेहतरीन टीचर हैं। तो जाइए इन टीचर्स को भैया बस पढ़ लीजिए, इनसे नैया पार लगा देंगे, सब अपने अपने पोजीशन में बहुत बढ़िया बैठे हुए, तो जाइए इनसे पढ़िए ठीक है जी। और वैसे बात इसको जोड़ना पड़ेगा, आपको पता है मॉक टेस्ट की टाइमिंग ही है, तो जो टाइमिंग्स बची हो, जो डेट बची हो, जाओ उसमें टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, आपको भला ही होगा। और कोड कौन सा लगाना है, वंस अगेन कोल जब $9 पे काए तो कोड लगाना है आपको RD 100 ठीक है जी। और बेहतरीन इस बैच में भी आप जो सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों का बैच है ठीक है। क्लैड 25 के लिए जिस जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बैच है भैया, बहुत प्यारा बैच है। इसमें जो है वही सेम चीज भैया, क्लैड की प्रिपरेशन करनी है तो कहीं मत भटको, यहीं आ जाओ, बढ़िया तरीके से कराएंगे आपको। कोड वही RD 100 और बस द वॉरियर बैच, ओए बेहतरीन बैच। और थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक ही वीडियो में इतनी सारी चीजें करा चुका हूँ, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।